बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा जी। मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बढ़ते डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं भाई साहब जो कि नहा धो के फ्रेश होकर अपने गार्डन में आया था, मैंने बोला जो कि इंट्रो कर लें, फिर अंदर चलते हैं अम्मा जी के पास। तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोग समझदार से रेसिपी शेयर करते हैं। आप लोग अपने भाई को फुल सपोर्ट किया करें, जो कि जल्द से जल्द अपने भाई का चैनल मोनेटाइज करवाएं। आप लोगों ने सपोर्ट करनी है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग भी कामयाब हैं, नहीं तो जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो अपने भाई को छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शुक्रिया। तो अभी जा रहा हूँ अम्मा जी के पास, तो अम्मा जी के पास जाकर दोबारा आप लोगों को मिलते हैं, लेट्स गो। नहीं जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोग समझदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हो? आज मैं मकई की रोटी बनाने लगी हूँ। मकई की रोटी जी? चलें जी, आज मैं बना रहे हैं मकई की रोटी। ये देखते हैं किस तरह बनती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोग आइए मजेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम देंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे मकई की रोटी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कप मैंने ये मकई काटा ले लिया, उसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था, और आधा टी स्पून मैंने ये नमक ले लिया है, और एक टी स्पून भर के मैंने ये देसी घी ले लिया। अब मैं आपको इसके आटा गूंदने का तरीका बताती हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, अब हम डालेंगे देसी घी, अब हमने नीम गर्म पानी ले लिया है, ना ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म हमने पानी ले लिया, उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे। हमने आटे को इस तरह हमने गूंद लेना है। हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह हमने इसे गूंद देना है अच्छी तरह से, जब तक ये मुलायम सा नरम से इसकी डो ना बन जाए। ये आटा गूंद के इसको रेस्ट नहीं देते, साथ इसकी रोटी बनानी शुरू कर देते हैं। साग बनाया कल, मैंने साग मंगाया, गैस बंद थी, फिर मैंने उसको सारा काट के धो के रख लिया। जब रात को गैस है तो फिर मैंने उसको ऊपर रख दिया, साग बन गया, तो मैंने कहा फिर सुबह मकई वाली रोटी बनाते हैं। इसको जितना जितना ज़्यादा अच्छी तरह गूंदेंगे उतनी इसकी रोटी अच्छी मिलाएं, इसके नरम सॉफ्ट बनेगी, अच्छी बनेगी इसकी रोटी। देखिए जी, आटा हमने गूंद लिया, अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। अब हम आपको रोटी बनाने का तरीका बताते हैं। बटर पेपर इधर लगा लिया, इसको हमने आयल थोड़ा थोड़ा आयल लगा लिया, अब हम इसका एक पेड़ा ले लेंगे। थोड़ा सा मैं तो ग्रीस कर लूंगी, ये
देखिए रोटी हमारी बन गई है, फिर के बाद तवे को रख लिया गर्म होने के लिए। तवे के रोटी डाल देंगे, लेकिन रोटी हमारी पक गई है। इसी तरह हम आपको और भी रोटी बना के फिर हम आपको आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारी मक्के की रोटी कितनी अच्छी और कितनी मज़े की तैयार हो गई हैं। गरम गरम रोटी के ऊपर हमने वो मक्खन लगाया क्योंकि ये मेल्ट हो जाए। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में एक तरह रोटियाँ बनाएगा और मुझे बताएगा आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।